Hey everyone, welcome to Envelope Study, Root of Success, the online career and education classes. After watching this video, guys, if you like it, then like, share and subscribe Envelope Study. Thank you so much. Hello friend, welcome to Envelope Study. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ऑप्शन है रैम चिप, डाटा इनपुट, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज. राइट आंसर होगा अपना सीपीयू. अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बी और सी, दोनों. तो इसका राइट आंसर होगा एरर. एरर को हम बग कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कुंजीपटल, सीपीयू, मॉडम, प्रिंटर. इसका राइट आंसर होगा मॉडम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सक्रियतम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर होगा ENISE. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा WWW का सही रूप है? तो इसका सही रूप होगा वर्ल्ड वाइड वेब. अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का अर्थ होता है? आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ऑप्शन है इसका मोबाइल चिप, कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर. तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोप्रोसेसर, जो कि पेंटियम नाम से बेचा जाता है. अगला क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? तो इसके आविष्कारक और संस्थापक हैं टिम बर्नर्स-ली. अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मोडेम. तो जो प्रकाश भंडारण है वो प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है. अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, वॉल्व, कोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति. तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वॉल्व था. अनुपम क्या है? एक शोध संस्था, एक सुपर कंप्यूटर, एक नवनिर्माण प्रक्षेपात्र या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो इसका राइट आंसर होगा अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है. अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ऑप्शन है सीडेक, IIT कानपुर, बार्स, IIT दिल्ली. तो इसका राइट आंसर होगा सीडेक. सीडेक ने परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था. अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो होगी अपनी बाइट. कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो वो है अनुपम. अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है. एक बाइट बना होता है, तो अपना एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारीय अंकों का. अगला क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो ये शब्द है कंप्यूटर से. डाटा के प्रक्षेपण की गति को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त यूनिट है, तो वह है बिट प्रति सेकंड. इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इसको हम बोलेंगे प्रोग्राम. अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है अपनी TCS. जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो वह अटकता है अपनी रैम में. अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे हम रोम, रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता या स्पीकर? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फोर्टन, पहली विकसित भाषा कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी हिस्सा नहीं है? गैस प्लाज्मा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। लेजर प्रिंट में निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रयुक्त होता है? तो इसमें लेजर प्रयुक्त होता है अपना अर्धचालक लेजर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से? तो इसका राइट आंसर होगा समकलित परिपथ चिप। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डरों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अपना श्रेणीबद्ध मॉडल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है बग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र ये एक यंत्र सामग्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क या मूल्य योजक नेटवर्क? तो इसको कहा जाएगा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? तो इनका निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो वह है माउस। बीएम प्रयोग किया जाता है, तो बीएम कहाँ प्रयोग किया जाता है? मेगाबाइट के लिए। अगले क्वेश्चन है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है? यह रहती है यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन है इसमें मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। तो इसमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? यानी 1 MB बराबर कितने बाइट के बराबर होगा? तो वो होगा 1048576 बाइट के बराबर। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास यानी रेंज होती है, सुपर कंप्यूटर के लिए रेंज कितनी होती है? तो वो होती है 64 बिट तक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, तो वो किसको नष्ट करता है? प्रोग्रामों को। तो जो भी वायरस होता है वो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो वो है मॉडम, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है हार्डवेयर को। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक किस का एक प्रकार है? तो वह एक प्रकार है प्रिंटर का, डॉट मैट्रिक्स। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो वह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो वो है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है? तो वो है सीपीयू, जो कि सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है, सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो वह है आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे हम रोम। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जो अपना जावा है ये हार्डवेयर नहीं है। एक लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग किया जाता है? तो मॉडम का प्रयोग किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा।